नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस में हुए चिंतन शिविर में खुलकर अपनी बात रखने की सोनिया गांधी ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप यहां खुलकर अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बात यही संदेश जाना चाहिए कि संगठन एक है। कांग्रेस के चिंतन शिविर के उद्घाटन भाषण में सोनिया गांधी ने अनुशासन की लक्ष्मण रेखा खींचते हुए पार्टी के नेताओं से कर्ज उतारने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है और अब उसका कर्ज लौटाने की बारी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें ये करना होगा कि यहां से जब निकले तो नई ऊर्जा, नई प्रतिबद्धता और प्रेरणा के साथ निकलेंगे। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ अब तक 18 FIR दर्ज किए गए हैं और उन्हें 30 मार्च को ही हिस्ट्री शीटर और खराब चरित्र घोषित किया जा चुका है। नेटफ्लिक्स ने पासवर्ड शेयरिंग पर नकेल कसने के लिए एक नया प्लान बनाया है। वीडियो स्ट्रीमिंग दिग्गज 2022 के अंत तक पासवर्ड शेयर करने की सुविधा को समाप्त करने की संभावना है। जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया गया है, नेटफ्लिक्स के अधिकारियों ने एक नोट में साझा किया है कि पासवर्ड शेयर करने पर कार्रवाई 2022 के अंतिम 3 महीने यानी कि अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने या लाउडस्पीकर बंद करने से कश्मीरी पंडितों की समस्याएं हल नहीं होंगी और केंद्र सरकार को केंद्र शासित प्रदेश में अस्थिरता के माहौल को समाप्त करने के लिए कड़े फैसले लेने चाहिए। राउत की टिप्पणी जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में आतंकवादियों द्वारा एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की जान लेने के एक दिन बाद आई है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में सर्वे की तैयारी के साथ ही अब मथुरा ईदगाह के भी सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि वादी मनीष यादव ने कोर्ट से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की है। मथुरा कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस पर सुनवाई 1 जुलाई को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वो अभी मंद नहीं पड़ने वाले हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने किस विपक्ष के नेता की बात याद करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि दो बार प्रधानमंत्री बनना एक ही शख्स के लिए काफी है, लेकिन मैं दूसरी धातु का बना हूं। इस समय भारत के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। बीते सप्ताह पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ जगहों पर बारिश हुई थी। हालांकि अब लोगों को मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग ने इस मामले में खुशखबरी सुनाई है। IMD के मुताबिक इस बार साउथ वेस्ट मानसून जल्दी आ रहे हैं। मौसम विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि दक्षिण अंडमान सागर और उससे जुड़ी बंगाल की खाड़ी में 15 मई को मानसून पहुंच सकता है। मौसम विभाग का मानना है कि अंडमान और निकोबार में 15 मई को पहली मानसून की बारिश होगी। भीषण गर्मी से मौसम विभाग की यह खबर काफी सुकून देने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे भाजपा शासित तीनों नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के कारण राजधानी में होने वाली तबाही को रोकने की अपील की है। सिसोदिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों, झुग्गी बस्तियों के 63 लाख मकानों को तोड़ने की योजना बना रही है। इनमें से 60 लाख घर अनधिकृत कॉलोनियों में है, जबकि शेष 3 लाख ऐसे है जहाँ लोगों ने अपनी बालकनियों को बढ़ाया है या फिर उन्हें कवर किया है। राहुल भट्ट अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भाजपा हाय हाय के नारों के बीच शुक्रवार सुबह यहां बान तालाब शमशान घाट पर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गुरुवार को बड़गाम के चदोरा में तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने जान ले ली थी। शमशान घाट पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह, जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू के जिला आयुक्त अवनि लवासा मौजूद थे। इस दौरान कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों ने बर्बर हत्या पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है और घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा की मांग की है। राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय विचार मंथन सत्र से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि पार्टी एक परिवार एक टिकट के नियम पर पूरी तरह से एकमत है। उन्होंने कहा है कि इस चिंतन शिविर के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट के प्रस्ताव पर पूरी तरह से सहमति है और परिवार के दूसरे सदस्य को कम से कम 5 साल तक संगठन में काम करने पर टिकट मिलेगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इस संबंध में अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जाहिर की और बाद में इस पर सुनवाई की जाएगी। अंजुम इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर अर्जी को लेकर चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा है कि इस मामले में हम कोई जानकारी हमें फिलहाल नहीं है, ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं। दिल्ली NCR में सक्रिय वाहन चोर अब महंगे वाहन चोरी करने के लिए OBD स्कैनर का प्रयोग कर रहे हैं। ये स्कैनर चीनी ई-कॉमर्स वेबसाइट alibaba.com में ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की विभिन्न यूनिट ने इन्हें हाल के दिनों में बरामद भी किया है।
चर्च विवाह प्रमाण पत्र आधार के लिए मान्य नहीं है। ये बात तब सामने आई है जब आधार से जुड़े एक मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में ईसाई महिलाओं ने आधार कार्ड में अपना नाम बदलवाने के लिए आ रही चुनौतियों का जिक्र किया है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अपने आधार कार्ड में नाम बदलवाने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि चर्च विवाह प्रमाण पत्र आधार के लिए एक वैध दस्तावेज नहीं है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा को अब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में भी मजबूती मिलने वाली है। प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें खाली हैं और इन पर होने वाले चुनाव में वो 8 पर जीत हासिल कर सकती है। इस चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान बीएसपी और कांग्रेस को होने वाला है। दोनों ही दल एक ही सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। इस सूबे के कुल 31 सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। आगामी जून से अगस्त के बीच प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटें रिक्त हो रही हैं। दाऊद गैंग के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर है कि एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े डी कंपनी के मामलों में 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। इन संदिग्धों को शुक्रवार को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। इस सप्ताह एनआईए के करीब 29 ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। गिरफ्तार हुए दोनों संदिग्ध छोटा शकील के सहयोगी है। भारत में गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में केंद्र सरकार मोरक्को, ट्यूनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और लेबनान में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर अनाज की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच 2022-23 में रिकॉर्ड 10 मिलियन 1 करोड़ टन गेहूं का लक्ष्य रखा है। सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सुब्रत रॉय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। वहीं हाईकोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंचे थे। उनका साफ साफ कहना है कि सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ है। बार बार आश्वासन के बाद भी सहारा हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है। पटना के दुल्हन बाजार के अशोक कुमार यादव ने कहा कि 75,000 रुपए फंसे हुए हैं, वापस नहीं मिल रहे हैं। वहीं दानापुर से आए राजेश कुमार का साफ साफ कहना है कि 1 लाख से ज्यादा रुपया मेरा सहारा में फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक इसे वापस नहीं किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक हुई है। आज मुख्यमंत्री का सुपौल जाने का कार्यक्रम था। इस दौरान पटना चिड़ियाघर के गेट नंबर 2 के पास नीतीश कुमार के काफिले में दूसरा वाहन घुस गया, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद फिर एक बार ये सवाल उठ गया है कि आखिर लगातार मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में ऐसी चूक बार बार क्यों हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2018 के बाद पहली बार की रेपो रेट में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब तक उपलब्ध ब्याज दरों में और वृद्धि होने लगी है। फिक्स डिपॉजिट करने वाले और छोटे बचतकर्ताओं के लिए ये अच्छी खबर है। ऐसे समय में अन्य निवेशकों और उधारकर्ताओं को क्या करना चाहिए जब ब्याज दरें बढ़ गई है, तो पहले ये बताया गया था कि उम्मीद से अधिक महंगाई होने के कारण आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा सकता है। खुदरा मुद्रास्फीति जो कि सीधे मध्यम और निम्न मध्यम आय वाले लोगों को प्रभावित करती है, साथ ही गरीब लोगों को बेहद मुश्किलें होती है। महंगाई दर अचानक 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल के अंत में ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप के कारण आपूर्ति में व्यवधान सहित कई कारणों की वजह से और इस साल रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें और इजाफा हुआ है। अभिनेत्री और मॉडल शाहना 20 रहस्यमय परिस्थितियों में कोझिकोड में एक अपार्टमेंट में मृत पाई गई हैं। मामले में पुलिस ने उनके पति को हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि मॉडल शाहना का शव बृहस्पतिवार को रात करीब 11:30 बजे कोझिकोड के परमबीर बाजार स्थित एक अपार्टमेंट के अंदर खिड़की की ग्रिल पर लटका पाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता पार्टी के राज्य इकाई की तरफ से शुरू किए गए प्रजा संग्राम यात्रा के दूसरे चरण के समापन अवसर पर शनिवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि तेलंगाना प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की अगुवाई में पार्टी ने पिछले साल सितंबर में प्रजा संग्राम यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की थी। दूसरे चरण की शुरुआत अम्बेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को गढ़वाल के आलमपुर स्थित जोगुलम्बा मंदिर में हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा है कि उसने धन शोधन के एक मामले की जांच के तहत आवास निर्माण की कारोबार से जुड़ी कोलकाता की एक कंपनी को और उसके 2 निदेशकों के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामला कई घर खरीदारों को ठगने से जुड़ा है। एजेंसी ने एक बयान में बताया है कि अभिजात कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक अभिजीत सेन और सुजाता सेन के परिसरों में छापेमारी की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच रविवार को चुनाव प्रचार के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आवास सिसौली पहुंचकर उनसे बंद कमरे में बातचीत की है। दोनों ने साथ बैठकर भोजन भी किया, जिसके बाद जयंत चौधरी ने महेंद्र सिंह टिकैत की अमर ज्योति में घी डालकर उन्हें नमन किया। SBI ने शेयर बाजार को बताया है कि 2020-21 की जनवरी से मार्च की तिमाही में बैंक को 6,451 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। उसने बताया था कि मार्च तिमाही में बैंक की कुल आय मामूली रूप से बढ़कर 82,613 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में
81,327 करोड़ रुपए थी। विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां आज हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर गंगा में विसर्जित की गई। उनके तीर्थ पुरोहित पंडित शांतनु ने यह कर्म करवाया है। अस्थि कलश लेकर शिव कुमार शर्मा के बेटे रोहित और शिष्य राहुल समेत पारिवारिक सदस्य विशाल वर्मा पहुंचे थे। अनुसंधानकर्ताओं ने अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर 3 अलग अलग स्थानों में लाई मिट्टी के नमूनों में तेजी से पनपने वाले अराबिडोप्सिस थलियाना पौधे की खेती शुरू कर दी है। ये पहली बार नहीं है जब चंद्रमा से लाई मिट्टी में पौधे को उगाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पहली बार समझाया गया है कि ये पौधे क्यों नहीं बढ़ते हैं। ये मिट्टी स्थानीय मिट्टी से बहुत अलग होती है, इसमें ऑर्गेनिक तत्व नहीं होते हैं जो पृथ्वी पर मिट्टी की विशेषताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों की याचिका पर नीट पीजी 22 परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि इसमें देरी से डॉक्टरों की कमी होगी और रोगी की देखभाल गंभीर रूप से प्रभावित होगी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता पैदा होगी। इससे परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों को बड़ा वर्ग उसका प्रभावित हो सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने के बचे हुए लाभार्थियों को खाद्यान्न और आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना और रिफाइंड ऑयल के मुफ्त वितरण के लिए आवश्यक वस्तुओं के मुफ्त वितरण की तारीख को 20 मई तक बढ़ाने का निर्णय ले चुके हैं। इस अवधि में ई पॉश मशीन के माध्यम से आधारित वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी के माध्यम से मुफ्त वितरण 20 मई को भी होगा। बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान और सीमा खान तलाक लेने जा रहे हैं। शादी के 24 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। सोहेल खान और सीमा खान आज फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किए गए। उनकी फैमिली कोर्ट के बाहर से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली कोर्ट के एक सूत्र ने बताया है कि सोहेल खान और सीमा खान आज कोर्ट में मौजूद थे। दोनों ने तलाक फाइल किया है। दोनों उस दौरान दोस्त की तरह नजर आए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है अभिषेक कुमार, बाबुल सिंह राजपूत, विकी कुमार, राधा रानी, प्रिंस राज, मंटू ओझा, जितेंद्र कुमार, कुणाल कुमार, प्रिया यादव ऑफिशियल, आलोक कुमार, नुन्नू कुमार, आलोक सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत के सबसे प्रतिभाशाली नेता कौन रहे हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।